जो कमेटी बनाई थी टाइम बाउंड कमेटी बनाई थी कि ये लोग रिकमेंडेशन के साथ तो कमेटी का रिजल्ट देंगे लास्ट टाइम, लेकिन वो नहीं हुआ पहली बात। दूसरी बात है कि डेटा पहले ही अवेलेबल था कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो डेटा हमने बताया था उनको। दिस इज नॉट बिग डील दैट कि रिकमेंडेशन देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उनके लिए जो कि उन्होंने नहीं दिया हुआ वो। और दूसरी बात ये कि ये लोग जानबूझ के अभी भी कोई टाइम इन्होंने नहीं दिया कि दूसरा कमेटी कब बनाएंगे। जो आपने स्पेशल कमेटी बोला अकेडमी मीटिंग जो होगा दूसरा, वो मीटिंग के बारे में भी दिस सेमेस्टर ओके, बट दे आर नॉट गिवन द स्पेसिफिक टाइम ओके। तीसरी बात है कि नीतू के केस बिल्कुल नीतू के केस में कोई जीत नहीं है। नीतू के केस में इसलिए जीत नहीं है क्योंकि उसके प्रोफेसर ने उसको एमफिल लिखने के पहले ही बोला कि तुम ऐसे पीएचडी नहीं करोगी, तुमको करने नहीं देंगे। ये एक सरासर डिस्क्रिमिनेशन का केस है जो उसके प्रोफेसर ने किया है। एट द एंड हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको डिग्री दे रहे हैं, यहाँ से भगा रहे हैं। जनरली होता ही है कि हम यहाँ से एमफिल करते हैं, ग्रेड मिलता है और हम पीएचडी में रिकमेंड होते हैं, बराबर है। लेकिन नीतू के साथ ये हो नहीं रहा है। नीतू के साथ ये हो रहा है कि उसको हमने समाव मैनेज कर लिया कि आप जो ग्रेड कम करके आपको डिग्री मिलेगा और आप बाहर जाएगी। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि नीतू के केस में, क्योंकि उसका केस सरासर डिस्क्रिमिनेशन का केस है कि उसकी फैकल्टी ने उसको गाइड ने कहा कि आप जो है पीएचडी नहीं करेगी यहाँ से, और ये सरासर एस सी एस टी एक्ट के अंदर बुक होने वाली बात है। तो मैं जेएनयू से अपील करूँगा कि नीतू के केस में वो डिग्री लेके केवल बाहर ना जाए, क्योंकि ये उसको आप उसको सम्मानित करके नहीं भेज रहे उसको, मैंने मेरी बात कंप्लीट नहीं, आप उसको सम्मानित होकर नहीं भेज रहे, आप उसको निराश होकर भेज रहे हैं क्योंकि उसको पीएचडी डिग्री देके वो बाहर जा रही है और लड़की चाहती कि यहाँ से पीएचडी करे। मैं जेएनयू से अपील करता हूँ कि उसको यहाँ से पीएचडी करवा नहीं दिया जाए, क्योंकि उसका सपना है और उसके साथ उसका कोई इंडिविजुअल ये नहीं कि वो कर नहीं पाई, उसके प्रोफेसर ने डिस्क्रिमिनेशन किया है। नो आई जस्ट फिनिश इट, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज अ क्लियर कट यू नो डिस्क्रिमिनेशन केस, एंड देयरफॉर जेएनयू शुड टेक अ पोजीशन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे आपका सुपरवाइजर कहता है कि हम आपको पीएचडी नहीं करने देंगे, आप लायक नहीं है। तो दैट इज व्हाट आई वांट कि आप पोजीशन लें। वेरी क्लियर, वी हैव प्लेस्ड इट इनसाइड एकेडमिक काउंसिल, मैंने ये भी बोला है। इनफैक्ट मुझे पता नहीं उस डिटेल का कि आपने मूर्ति सर का नाम लिया है या नहीं, मैंने ये भी रेज किया था एकेडमिक काउंसिल के अंदर, जिस मूर्ति के अगेंस्ट कंप्लेन आता है उस मूर्ति को एक कमेटी का चेयरमैन कैसे बनाया जाता है, इसीलिए मूर्ति कमेटी का रिकमेंडेशन खारिज हुआ, इसीलिए मूर्ति रिकमेंडेशन का, अदरवाइज मूर्ति कमेटी का जो रिकमेंडेशन आया है उसके तहत नीतू को डिग्री नहीं मिलता इस कैंपस में। बिल्कुल सही है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक मिनट, जेएनयू का पोजीशन बहुत क्लियर है, नीतू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हम लोग बोल रहे हैं ये नीतू का जीत नहीं है क्योंकि वो पीएचडी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों का आर्ग्यूमेंट का दूसरा फेस किया था कि एक प्रोविजन दिया जाए कि रिविजन अगर होगा तो ये सिर्फ नीतू के केस के लिए नहीं, बाकी इतने जितने सारे डिस्क्रिमिनेटेड केस है सब केसेस के लिए वो बेनिफिशियल होगा, और वो अभी होल्ड में है, उसका फैसला अभी तक आया नहीं। ठीक है, मैं वो बात मान रहा हूँ आपकी, मैं लेकिन ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो केस में डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये कि जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके साथ जब आप, ये कंपेंसेशन नहीं हो सकता कि आप उसको डिग्री लेके ही बाहर कर रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जेएनयू से इसके लिए क्या करेगा, क्योंकि हमारी डिमांड ये है कि नीतू यहाँ से ही पीएचडी करेगी क्योंकि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, नीतू यहीं से पीएचडी करेगी, नीतू बाहर लेके डिग्री नहीं लेके जाएगी। तो हम चाहते हैं जेएनयू से कि जेएनयू से सुनिश्चित करे कि नीतू जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो प्रोफेसर ने डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए एस सी एस टी एक्ट के तहत। एक दलित लड़की को आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं है पीएचडी लिख लायक, उस प्रोफेसर के खिलाफ एस सी एस टी एक्ट लगाया जाए, और दूसरी बात नीतू को यहाँ से ही पीएचडी करवा दिया जाए, तब सही मायने में हमारी जीत होगी। तो कल जाके डिस्क्रिमिनेशन के अलग अलग रूप आएंगे, हम जे कोई कहेगा कि हाँ इतना पॉइंट कम कर दिया आप डिग्री लेके वापस जाइए, ये हमारी जीत नहीं हो सकती है। हमारी जीत कैसी है, जीत की बात कर भी नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि ये ओवरऑल जो क्राइटेरिया था 5.5 क्राइटेरिया जो था एस सी एस टी के लिए, हम लोगों ने वहाँ पे बकायदा आर्ग्यूमेंट किया कि जहाँ पे तुम्हारे यूजीसी में तुम एलिजिबल हो जा रहे हो 55% में, तुम्हारे यूनिवर्सिटी में तुम एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, उसके लिए हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया। उसके बाद वो उन लोगों को मजबूर होना पड़ा कि वो लोग ग्रेड लॉट डाउन करें, लेकिन जैसे मोहित ने बताया कि जनरल का भी लॉट डाउन हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें अलग अलग कम्युनिटीज भी आती है, इसलिए सारा सब कुछ एक साथ लॉट डाउन हुआ है। हम बोल रहे हैं कि देखिए मोहित, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, नीतू के केस में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो केस है डिस्क्रिमिनेशन का है, ये हम लोग बात मानते हैं इस बात को। अभी जब डिस्क्रिमिनेशन का केस है
सबसे पहली बात उसमें वाजिब है कि जिसने डिस्क्रिमिनेशन किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये सबसे पहले वाजिब बात है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि नीतू के केस में हमारी जिम्मेदारी भी ये होनी चाहिए कि उसको यहाँ से डिग्री लेके वापस नहीं जाना है। तो जे एन यू इसके लिए क्या करेगा, हम पूछना चाहते हैं कि नीतू को। राहुल का बात एकदम सही है, इसीलिए आज जो अंदर बात हुआ तो पहले शुरुआती बात यहाँ से हुआ कि जिस नीतू का मतलब नीतू का लेटर उठाते हुए, नीतू के मामले में आज ही सुबह लेटर दिया था जे एन यू में, और शुरुआती इसी बात से हुआ कि जिस आदमी ने डिस्क्रिमिनेशन किया है उसी को आप कमेटी हेड करने के लिए बोल देते हो। तो अब आप कौन सा डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप कौन सा डिस्क्रिमिनेशन प्रूव करने वाले हो, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का जांच करोगे? और इसी के बिहाफ पे जो मूर्ति कमेटी का रिकमेंडेशन था वो खारिज हुआ। अब जे एन यू का पोजीशन इसमें यही रहेगा, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसको जो भी मतलब जिसके साथ वो जिसने भी डिस्क्रिमिनेशन किया है उसको सजा दिला जाए और इंश्योर कराया जाए कि नीतू यहीं से पीएचडी करेंगी। इस चीज़ को हम लोग पूरी जोर तरीके से करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें, और इस चीज़ को हम लोग पॉलिसी डिसीजन में भी बदलना चाहते हैं। आज भी बात हुआ, आज शत्रुपा ने वहाँ पे बात रखा कि आखिर जब आप पांच जो ग्रेड पॉइंट हुआ है वो नीतू के आधार पे ही पांच ग्रेड पॉइंट जब कराए हम लोगों ने, तो वहाँ पे बात हुआ कि 55% पे मतलब पांच ग्रेड पॉइंट मतलब 55% पे आप लोग लेक्चरर तो बन जाते हो लेकिन पीएचडी में क्यों नहीं प्रमोट हो सकते हो? इस चीज़ को लेकिन वहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाया, और जैसा ही अगला मीटिंग बैठेगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को पूरी जोर तरीके से उठा के इस चीज़ को ड्रॉपआउट के मामले में पास कराएंगे कि 55% मतलब पाँच ग्रेड जब लोग लेक्चरर बन सकते हैं तो पीएचडी में प्रमोट क्यों नहीं हो सकते, और इस चीज़ को पूरा पॉलिसी डिसीजन करा के रहेंगे। इस चीज़ को आपको इंश्योर कराना चाहते हैं। जो ये होता है जो जिन लोगों को डिग्री मिलना होगा वो सबके लिए है, क्योंकि इसमें जैसे मोहित ने ऑलरेडी रिपोर्ट किया जब माइनॉरिटीज के लिए कोई अलग कैटेगरी अभी तक नहीं है, सोशल कैटेगरी तो वो भी जनरल में आते हैं, मतलब बहुत सारे डिप्राइव्ड सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन अभी भी जनरल में है अनफॉर्चुनेटली। तो इसके लिए जो डिग्री मिलने के लिए जो लोअर पॉइंट है वो है 5, लेकिन जब पीएचडी में प्रमोशन की बात होती है वो उसका सेम अभी तक जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है वो है। लेकिन एक बात हुई है, हमारा सेकेंड आर्गूमेंट था सिर्फ लोअर डाउन करना नहीं, एफपील में अभी तक देखा जाए तो कोई रिविजन का प्रोविजन ही नहीं है। हम लोगों ने ये उठाया है कि एमफिल में रिविजन का एक प्रोविजन हो ताकि किसी का अगर ग्रेड कम आ रहा है उसको एक मौका मिले, दोबारा चांस मिले उसके ग्रेड सुधारने का। कमर एक चीज़ जानना है मुझे, जैसे आपने कहा कि भी जो अब्दुल नाफे कमेटी बनी थी पिछले जो है एकेडमिक काउंसिल में 27 तारीख बाद, अब नहीं अब पिछले एकेडमिक काउंसिल में वो पास हुआ था कि कमेटी बनेगी वो इस एकेडमिक काउंसिल में उसको रिपोर्ट सबमिट करना था। अभी क्या हुआ, उन लोगों ने डाटा एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद ये बताया उन लोगों ने कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ। देखिए उसका भी कमेटी का पूरा रिपोर्टिंग रख देते हैं, वो कमेटी जब हम लोग जे एन यू एस में आए उस कमेटी का लगभग 20 दिन बाद उस कमेटी का पहला सिटिंग बैठा, पहला सिटिंग में अब्दुल नाफे नहीं आए थे उन्होंने, तो मतलब उसमें मेंबर हैं पुनिया, अब्दुल नाफे, अलोने और पोदार और एक अनिर्बन चक्रवर्ती सी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के हैं। वो लोग पहली कमेटी के वो अनिर्बन चक्रवर्ती नहीं आते हैं, अनाफे नहीं आते हैं तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, दूसरे में डिस्कशन होना शुरू होता है। और ये हम लोग अपना डाटा वो जो 2012 वाला लेके जाते हैं, इन लोगों को लगता है कि एक नया डाटा मंगाया जाना चाहिए। हम लोग उसमें बोलते हैं कि अब कोई डाटा की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग डाटा मंगाते हैं। तीसरा कमेटी में जो होता है कि हम लोग इस पर डिसेंड कराते हैं कि अब कोई डाटा एनालिसिस नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी वो लोग डाटा एनालिसिस में जाते हैं। आज एक प्रिलिमिनरी डाटा आया था हम लोग के पास, वो डाटा भी मौजूद है, उसमें भी जो 2015 तक का डाटा एनालिसिस है उसमें सेम डिस्पैरिटी का पैटर्न है। इस चीज़ को हम लोगों ने आज की एसी मीटिंग में भी रखा, वहाँ पे फ्लैग किया डाटा की देखिए, और इसीलिए सबसे पहला डिस्कशन आज वाइवा व्हाट्सएप पे ही शुरू हुआ था, आज वाइवा व्हाट्सएप पे डिस्कशन होना शुरू हुआ और इस चीज़ को रखा। लेकिन चीज़ वहाँ पे एक चीज़ अटक गई क्योंकि कमेटी बनी थी और कमेटी को रिकमेंडेशन देना है, एसी की ही कमेटी थी, एसी उसको बाईपास नहीं कर सकता, जो थोड़ा प्रोसीजरल में फंसाते हैं ये लोग वैसे ही फंसा। हम लोगों का तो पॉइंट था सर 2012 से चला आ रहा है, प्रोसीजरल में फंसाइए, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को कभी अंडरमाइन नहीं कर सकता। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जी कमेटी आ गई है 2007 से लेकर 15 तक के 3 कमेटियों का डाटा एनालिसिस हो गया, अब उस पर एक डिसीजन रिकमेंडेशन देना था, वो टाइम बाउंड के अंदर नहीं हुआ। मेरा टाइम बाउंड के अंदर जब नहीं हुआ तो अगला जो स्पेशल एकेडमिक काउंसिल मीटिंग है बुलाने कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मीटिंग एडजर्न हुई है, अब जब उस पर डिसीजन हो गया सारी चीज़ें पता चल गया डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो उसको जो है एक दो दिन के अंदर जब तक एडजर्न हुए उसके अंदर उसको रिकमेंडेशन क्योंकि अगला एकेडमिक काउंसिल होगा फिर जो है उसे डाटा के साथ छेड़छाड़
करेंगे, फिर खेल होगा उसमें क्या होगा। अब तो उसमें भी कोई टाउन बाउंड नहीं है, कब बुलाया जाएगा इस फसल हमारा कहने का, क्यों ऐसी मीटिंग की जरूरत पड़ेगी अगर इसी मीटिंग में उसको अभी इमीडिएट कर उसका प्रोसेस। उसमें जो मिनट हुआ था पिछली बार, वो पूरा प्रोसेस ये था कि जो भी रिकमेंडेशन होगा सारे सेंटर्स को जाएगा, उसके बाद एसी में आएगा। इसीलिए हम लोगों ने पूरी तरीके से इस चीज़ को बोला कि भाई देखिए प्रोसीजर बार बार ये 2012 से चला आ रहा है, तो हम लोग ये एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये अप्रैल वाली एसी मीटिंग में जाए। और इसीलिए इस बात को रखा, तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस सेमेस्टर में ही, इस सेमेस्टर के ख़त्म होने के पहले ही एसी मीटिंग होगी, जो भी स्पेशल एसी मीटिंग है। हम लोग अगर इंश्योर करा सकते हैं कुछ, तो ये इंश्योर कराना होगा कि इस सेमेस्टर के पहले पहले, ख़त्म होने के पहले पहले एक स्पेशल एसी मीटिंग बैठे और उसमें वाइवा वोसा से रिलेटेड फैसला हो।